बीवी मेरी बी इनकी जगह नीचे वालों को देख रहे हो इनको देखे हाँ मेरी बीवी मेरी सबसे बड़ी ताकत और दूसरों की बीवी दूसरों की बीवी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बहुत बहुत बधाइयां और बढ़ते हैं आगे बोली दीजिए कि तुम्हें पटाने के लिए फिर से जाऊंगा जिम मैं तुम्हारा मोबाइल तू मेरी सिम एक सेकेंड अब मैं इनके दिल की बात ये क्या इनके दिल की बात बोल रही है कि ये डबल सिम वाले आदमी मोबाइल है हा? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और दोनों को बहुत बहुत बधाइयां एक सेकेंड नमस्कार क्या नाम है आपका ममता जी मैं चाहता हूँ ममता जी के झुमकों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मतलब ऐसा लग रहा है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में सिर्फ ममता जी के लिए बना है और इनकी स्माइल देख रहे हैं आप माधुरी दीक्षित की स्माइल भी फील है इनकी स्माइल के सामने तो कहाँ है जो इनकी स्माइल पे फिदा है वो कहाँ बैठे हुए हैं आए नहीं वो किसी और के स्माइल पे फिदा हो रहे हैं हाँ और लेकिन मैं ममता जी को यही कहना चाहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए अजी वाह तो कीजिए कि आपके मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए मैं होश में आने ही वाला था आप फिर से मुस्कुरा दिए तो मनु जी ने कहा था कि इनका चेकअप जरूर कीजिएगा ये पेशेंट है मनु जी ने कहा था थोड़ा सांस लीजिए मनु जी इनका तो सांस ही नहीं आ रहा है ओ सॉरी मैंने कान पे नहीं लगाया हाँ ओ माय गॉड आपको तो आराम की बहुत जरूरत है बहुत आराम की जरूरत है मैं आपको नींद की गोलियां दे रहा हूँ अपनी बीवी को खिला दीजिएगा एंड जैसे आपने कहा था कि इनका भी चेकअप करना है ये रात भर जागे रहते हैं ओ माय गॉड चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है टाटा नमक का इस्तेमाल करो आयोडीन की कमी है एक बार वचन देता हूँ मैं ये वचन देता हूँ कि आज के बाद किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा और किसी भी लड़की को शादी के बाद जब भी शॉपिंग करती तो क्रेडिट कार्ड संजय जी का यूज करती शादी हो गई है तो नो चांस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ दैट्स ओके बट कृष्णा आपको भी यहाँ पे आना है तो क्या कहते हैं क्योंकि जब भी सूफी नाइट होती है कव्वाली नाइट होती है तो एक शायराना अंदाज में इनकी आंखों में थोड़ा सा पास में आ जाएंगे कृष्णा इनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा माइक का वॉल्यूम देंगे कि सलमान को रोमांटिक होते हुए सलमान को कैटरीना पसंद है सैफ को करीना पसंद है रोमांटिक विराट को अनुष्का पसंद है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत पसंद है सनी लियोन
सच्चाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस सच्चाई के चलते हुए मुझे चेतन जी ने कहा था कि अगर गिरीश भाई ऐसा बोलेंगे तो हमारे जागीर के सभी फ्रेंड्स को चेतन जी की तरफ से 7 nights से बैंकॉक का ट्रिप स्पॉन्सर किया जाएगा। मुझे ये बताइए कि आपको सजा काटते हुए कितने साल हो गए, मतलब शादी किए हुए कितने साल हो गए आपके? सजा काटते 40 साल। 40 साल हो गए हैं? हाँ, अच्छा आपके 48 हुए, इनके 40 हुए हैं। हाँ, अच्छा अंदाजा, मतलब दुख के दिन याद ही नहीं रहते हैं ना, दुख का क्या याद करने का। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर जी को ये बोलना चाहूंगा कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। अजी वाहवा तो कीजिए कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, लेकिन जो विष पी के भी अमृत जैसा चेहरा बनाए उन्हें पति देव कहते हैं। और यकीन मानिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कितने शरीफ है ये पत्नी पर फिदा है। अजी वाहवा तो कीजिए कि कितने शरीफ में ये पत्नी पर फिदा है, और उसमें भी कमाल ये है अपनी पर फिदा है। बहुत बहुत बधाई। और जिसने सबसे ज्यादा, अच्छा ऐसे कर रहे दूसरे, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे छोटे शाहरुख के लिए। क्या नाम है आपका? अच्छा दर्श, मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मी आपकी पिटाई करती है? अच्छा, अब आपकी मम्मी आपके पापा की पिटाई करती है? अच्छा, आपकी मम्मी आपसे प्यार तो बहुत करती होंगी, तो आपकी मम्मी ने आपको आई लव यू बोला है? और आपकी मम्मी ने आपके पापा को आई लव यू बोला है? ओह माय गॉड, एक बार हाथ बढ़ा के जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजा के लेडी वॉशरूम के बाहर एक लड़की के साथ खड़े थे, वो कौन थी? नहीं नहीं, इनकी मम्मी कहाँ बैठी हुई है? उधर बैठी हुई है। पापा कहे, पापा जी मैंने सही वाले को पकड़ा है। इनके पापा जी मुझे बोले थे कि आप वागड़ में मिले थे, बड़ा मजा आया था। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इन्होंने पकड़े इन्हीं की फैमिली को मस्जिद चलाते हैं अभी। हाँ, तो मैं पापा जी, मैं आपको सच बोलूं, ये लेडीज वॉशरूम के बाहर वहाँ खड़े थे एक लड़की के साथ, और वो इन्हें ये ना नहीं करे, मैं झूठ बोलता हूँ क्या? मेरे को देखने लगता मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं उसको? माता रानी पाप लगाई। तो वो लड़की इसको बोल रही थी कि आप जामुन लेके आइए, मैं मुरब्बा बना दूंगी। अजी वाहवा तो कीजिए कि आप जामुन लेके आइए, मैं मुरब्बा बना दूंगी। टिकटॉक पे मेरे साथ थोड़ा टाइम तो बिताइए, मैं आपको अब्बा बना दूंगी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनकी आंखों में आंसू डाल के, एक तो दोनों ने चश्मा लगा के बड़ी दिक्कत होते हैं। कहते हैं कि आपकी नजरों से नजरें मिलाने को जी चाहता है। अजी वाहवा तो कीजिए कि आपकी नजरों से नजरें मिलाने को जी चाहता है, पर क्या करें ये कमबख्त चश्मा बीच में आ जाता है। कि कौन कहता है जवान ही गुरु होता है, असली प्यार तो 50 के बाद शुरू होता है। दूसरी औरत का, दूसरी औरत का दर्द समझती है, दर्द नहीं समझती है, इसलिए इसलिए मैं 2 शादियां करूंगा, 5 शादियां करूंगा। चाहता हूँ इनकी आंखों में आंखें डाल के आप बोली दीजिए बिल्कुल रोमांटिक होते हुए कि तुम कहो, कि तुम कहो तो सोने का हार ला दूं। कि सोने का हार ला दूं। तुम कहो, तुम कहो तो सूरत का अचार ला दूं। सूरत का अचार ला दूं। सिर्फ एक बार हाँ कर दो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो, तुम्हारे जैसी 2-4 ला दूं, तुम्हारे जैसी 5-6 ला दूं। बहू रानी ये वचन दो कि शादी के बाद, शादी के बाद तुम और भावेश मिलकर, तुम और भावेश मिलकर एक क्रिकेट टीम तैयार करोगे। हाँ चलिए, तो जो दूसरा सबसे अच्छा वचन है जिससे आपके घर में सुख शांति रहे, कि बहू रानी ये वचन दो, बहू रानी ये वचन दो कि शादी के बाद, शादी के बाद किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में मुझे मम्मी,
मुझे मम्मी, या सासू माँ कहकर मत बुलाना। सासू माँ कहकर मत बुलाना, सिर्फ बड़ी बहन कहना, सिर्फ बड़ी बहन कहना, सिर्फ बड़ी बहन कर, क्योंकि आज भी मैं 18 साल की हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा रिश्ता है।